हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 565। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिंस। डॉक्टर ने क्या कहा अपने पेशेंट को? बोला कि क्या, कि अपनी जो मेडिसिंस है आप रेगुलरली लो। अब जो एरर है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट? अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो इन्होंने यहाँ पे देखो बीच में रेगुलरली डाल दिया है, ठीक है? यहाँ पे बीच में क्या है, रेगुलरली का यूज़ नहीं होगा, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम बीच में से रेगुलरली को हटा देंगे, ठीक है? और क्या लगाएंगे, खाली टू टेक हिज मेडिसिन हो जाएगा, और रेगुलरली क्या होगा, बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेडिसिन के बाद यहाँ पे रेगुलरली का यूज़ करेंगे, ठीक है? अवॉइड करने के लिए स्प्लिट इन्फिनिटिव, हम क्या कर रहे हैं, टू टेक को इकट्ठा कर रहे हैं और रेगुलरली को एंड में डाल रहे हैं, ठीक है? तो देखा जाए तो सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आपका ये दिया हुआ है सही तरीके से, ठीक? अगला देखो। डिड यू हेयर मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री? ये पूछ रहा है कि क्या तुमने कोई खबर सुनी थी पॉलिटिकल सिचुएशन की उस कंट्री के बारे में। तो क्या पूछ रहा है, क्या तुमने कोई खबर सुनी थी, कोई खबर? यहाँ तो न्यूज़ से पहले मैनी दिया हुआ है, और न्यूज़ वैसे भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई खबर का क्या हुआ, एनी यूज़ करेंगे मैनी की जगह पे, क्या आ जाएगा, एनी न्यूज़। तो ये सेकंड वाले में आपका एरर है, ठीक है? अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई मेंट टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टूडे। मैं रिपेयर करना चाहता था रेडियो, पर मेरे पास क्या है, समय नहीं था। अब हैडंट टाइम यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, हैडंट टाइम कुछ नहीं होता, या तो होता है आई हैव नो टाइम होगा, ठीक है? हैडंट टाइम नहीं होगा कुछ भी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई हैव नो टाइम, बट आई हैव नो टाइम, हैडंट टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है? फोर्थ वाले में एरर है। नेक्स्ट वाला, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। जो हैवी वेट फाइटर था, ठीक है, 80-100 किलो का हैवी वेट फाइटर था, वो क्या था, उसने एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट होता है, नॉकिंग आउट कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी पास्ट में है, वॉज ने पास्ट बताया, तो नॉकिंग आउट नहीं होगा, यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखोगे, पास्ट है तो नॉक का नॉक्ड लिखेंगे, ठीक है, ईडी अटैच्ड हो जाएगा। वॉज नॉकड आउट इन वन पंच, मतलब एक ही पंच में क्या हुआ, वो डायरेक्ट ही नीचे गिर गया सामने वाला प्लेयर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। वो क्या कह रहे हैं कि जो, मतलब वो थैंक यू कर रहे हैं उस लोकल डॉक्टर का कि उसकी इतनी समझ थी। इनसाइट क्या होता है, समझ होता है, और इनसाइट एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमने ये नाउन के अंदर पढ़ा था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है तो उसके साथ द का यूज़ होता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरर, यहाँ पे एन दिया हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा, द का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ वाले में यहाँ पे द हो जाएगा, थैंक्स टू द इनसाइट, ठीक है? देखो इतने छोटे छोटे से एरर हैं। आपने अगर चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं तो आप ये प्लेलिस्ट दोबारा से देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे आपको एक रूल पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द आता है, तो अभी कहीं पे भी अगर आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो आप फटाक से बता दोगे कि मैम ये एरर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, या एन नहीं द आना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसीलिए ये वीडियोस को बार बार देखते रहो, जितना भी अपडेट हो रहा है उसी को रिवाइज करते रहो बार बार, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वेयर टू द वेडिंग। क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम मुझे एक अच्छे से जोड़ा दे दोगे ग्लव्स का पहनने के लिए वेडिंग के लिए। अ गुड पेयर होता है, गुड पेयर कुछ नहीं होता, ठीक है, अ आएगा पहले इसके, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, अ गुड पेयर हो जाएगा। इस थर्ड पार्ट में आपका एरर है, ठीक है, क्योंकि अ पेयर ऑफ सॉक्स हुआ, ठीक है, अ यूज़ होता है स्टार्टिंग में। अगला देखो, 572 वाला क्वेश्चन, When the workers threatened to go on a strike, the mill owner declared a layoff on his mill. जब वर्कर्स ने थ्रेटन किया कि भाई हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, तो मिल ओनर ने क्या कहा कि भाई हम छुट्टी दे रहे हैं, कि तबाही हो उससे बेटर है, तो बेटर है कि छुट्टी दे दो, राइट? तो गो ऑन स्ट्राइक होता है, कभी भी गो ऑन अ स्ट्राइक नहीं होता, हड़ताल पे जा रहे हो ना,
तो ऑलरेडी मेंशन है गो ऑन स्ट्राइक, ऑन के बाद अ का लगना यहाँ पे सुपरफ्लूअस है, ये यूज़ नहीं होगा, तो इसीलिए थर्ड पार्ट के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, अगला 573 देखो। आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। अभी जो स्टेटमेंट है आपकी, ये स्टेटमेंट क्या है, पैसिव में जा रही है। ठीक है, पैसिव में अगर जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाएगी, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन ईजी एंड इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू बी प्रिवेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी प्रिवेंटेड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम टू बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इस थर्ड वाले में एरर होगा, टू बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु एवर अज्यूम्स हिज स्टेटमेंट ट्रू इज फुलिश। जो कोई भी उसकी स्टेटमेंट को सच समझता है वो क्या है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। ठीक है, जो कोई भी उस स्टेटमेंट को, अब यहाँ पे खाली फुलिश लिखना इज़ नॉट सूटेबल, आपको आगे क्या है, कुछ वर्ड ऐड करना पड़ेगा। फूल क्या होता है, फुल नाउन होता है। ठीक है, और जो फुलिश है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर फुलिश एडजेक्टिव है तो उसके साथ में नाउन का होना तो ज़रूरी है ना, कुछ नाउन तो दोगे तभी तो आप किसी के बारे में बताओगे, मैंने कहा ये बहुत ही फुलिश इंसान है, ही इज़ अ फुलिश पर्सन। तो पर्सन से पहले आप डिस्क्राइब कर रहे हो क्या, फुलिश है, क्वालिटी है, डिस्क्राइब कर रहे हो, एडजेक्टिव, राइट। तो पर्सन का होना ज़रूरी है ना वर्ड वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ ट्रू इज़ फुलिश पर्सन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक वर्ड ऐड होगा, खाली फुलिश से काम नहीं चलेगा, इस फुलिश से। ठीक है, अगला देखो, द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट। लोग जो थे फ्यूनरल पे इकट्ठे हुए। अब जब इस टाइप की स्टेटमेंट आती है तो वहाँ पे टू पे रिस्पेक्ट नहीं आता, टू पे होमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे होमेज, ये आपको याद करना पड़ेगा जब इस टाइप के स्टेटमेंट्स आएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला, माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट। जैसे ही मेरी वाइफ का काम ख़त्म हुआ तो वो फटाफट क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी भागी मुझे मिलने के लिए इवेंट पे। ठीक है, हैविंग के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, पर यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा, माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल दो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। मैं यहाँ पे क्या है, सारी इंपॉर्टेंट जगहों जो टाउन में है उनसे फेमिलियर नहीं हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ। चीज़ें क्या है, प्रेजेंट में चल रही है। अगर प्रेजेंट में चल रही है तो यहाँ पे देखो इन्होंने पास्ट यूज़ किया है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैव आ जाएगा। ठीक है, ऑल दो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, यहाँ मैंशन कर दिया ना कि 2 सालों से रह रहा हूँ, तो प्रेजेंट हो गए स्टेटमेंट, पास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखो, मेक वॉट यू राइट एंड से मोर अब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉसिंग। अब ये क्या है, बैलेंसिंग द स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मतलब कि स्टेटमेंट की आप ट्यून थोड़ी देखोगे किस तरीके की है, कि क्या वो ing के फ्लो में चल रहा है या नॉर्मल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वो बनाओ जो तुम लिखते हो, मेक वॉट यू राइट एंड से मोर अब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉसिंग। अब्जॉर्ब्ड एंड एनग्रॉसिंग थोड़ा क्या है, अजीब सा हो रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे, इंग्रॉसिंग, तो ठीक है, इंग्रॉस वर्ड क्या होता है, इंग्रॉस का मतलब होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप एक वेब सीरीज शुरू करते हो और आप देखते रहते हो, आप क्या होते हो उसमें इंग्रॉस्ड हो जाते हो कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, और जब तक सारे एपिसोड खत्म नहीं होते आप उसे देखते रहते हो। तो वेब सीरीज़ कैसी बनाई जाती है, इंग्रॉसिंग बनाई जाती है, इंटरेस्टिंग बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्रॉसिंग दिया हुआ है, वर्ब का ing फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व्ड की जगह पे ऑब्जर्विंग हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्विंग। ठीक है, अच्छा, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ISC Steno नेम से है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और भी कोर्सेज के बारे में डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी, कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन से हम लोग अपडेट करते हैं, आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, इसका हम पिक्स शेयर कर देंगे ताकि आप आराम से कॉपी कर सकें अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, अगला देखो, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फॉर द अरेंजमेंट्स। वो क्या हुए, वो शाम को आए और आते ही उन्होंने क्या किया, आगे के अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए। केम हेयर पास्ट में चल रहा है, अगर पास्ट में चल रहा है तो यहाँ बिगिन थोड़ी आएगा, बिगैन आएगा ना पास्ट में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये सारा सेंटेंस पास्ट में है आपका। ठीक है, तो हमें बस सेंस पहचानना है कि टोन क्या है, कि सारा प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट का एरर होगा वहाँ पे,
पास चल रहा है तो पास के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बस यही चीज़ रहती है। अगला देखो, शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। अब देखो सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। उसने क्या किया, उसने पूरी कोशिश की जो बच्चा है अच्छे से पढ़ाई करे। जब स्टडी हार्ड ऑलरेडी मैंशनड है यहाँ पे, टू की ज़रूरत ही नहीं है। शी मेड द चाइल्ड, बस स्टडी हार्ड होगा, टू का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 581 देख लेते हैं। द प्रोमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम। जो उसने प्रोमिस किया था वो टूट चुका था। वॉज ब्रोकन, वॉज के बाद आपका वर्ब का दिया है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, पैसिव में चल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। फाउंड्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता, राकेश क्या होता है, राकेश को न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो फाउंड होगा, फाउंड्स कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कभी कभी इतने ज़्यादा छोटे छोटे एरर होते हैं, मतलब डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ ये कॉमन एरर होते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन का जहाँ एरर है या कहीं पे आईएनजी वाला है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कॉमन तुम ले आओगे नंबर, बट बाकी पे फंस जाओगे, ठीक है। और स्पीड से तभी सॉल्व होंगे एरर जब आप लोगों ने ये प्रैक्टिस मारी होगी सारी सीरीज़ की, ठीक है। आगे देखो, द डोर शुड बी कीप क्लोज। कीप क्लोज थोड़ी होता है, द डोर शुड बी केप्ट क्लोज होता है। क्या होता है, दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए, क्या आ जाएगा, केप्ट क्लोज हो जाएगा, ये सिंपल सा एकदम। नेक्स्ट पे आओ, साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर। साइंटिस्ट जो है क्या होप कर रहे हैं कि जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग क्या होती है, क्लोन कर लेना, एक जैसे दो लोग फोटोकॉपी होती है ना, एक जैसे सेम पेज को फोटोकॉपी करते हो, वैसे क्लोनिंग होती है, जैसे मैं हूँ तो मेरी जुड़वा एक, ठीक है। तो अब क्या वो कह रहे हैं कि वो होप कर रहे हैं कि हम जो जुड़वा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या है, ला पाएंगे अपनी रिसर्च के थ्रू। अब जो साइंटिस्ट है वो तो बहुत सारे हैं ना, यहाँ होप लिखा हुआ है तो यहाँ पे खाली एक ही साइंटिस्ट लिखा है, तो ये साइंटिस्ट हो जाएगा या एस लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जिनकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं हो रही है, मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें उम्मीद है कि हम क्या करेंगे, अब जो है टेक्नोलॉजी ऐसी ले आएंगे कि हम ह्यूमन की भी क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है साइंटिस्ट, क्योंकि होप यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ था, इसी वजह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को भी प्लूरल किया है, ठीक है। अगला देखो, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। जो गार्डन पार्टी होने वाली थी वो क्या हुआ, बारिश होने की वजह से वो पार्टी क्या है, कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। तो जब पोस्टपोन हो गई तो पुट ऑफ में डबल एफ आता है, सिंगल एफ नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा, पुट के साथ ओ डबल एफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब पोस्टपोन करना किस चीज़ को, पोस्टपोन, ठीक। अगला, वॉट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। जब ये स्टेटमेंट आती है ना ऐसी, वॉट के आगे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आ जाएगा, वॉट अ डिलीशियस फ्लेवर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉट अ डिलीशियस फ्लेवर। ये हमने क्लास में किया, ऑफलाइन क्लास में, जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी है उनको ये एरर पता है। अगले पे आ जाओ, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कम्फर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। हम जो इंडिया में क्या है देख सकते हैं क्या कि हम एक कंफर्टेबल और एक सेटल्ड ज़िंदगी की उम्मीद करते हैं 21st सेंचुरी में। यहाँ पे क्या है, खाली सेटल दिया है, क्या आ जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, सेटल्ड लाइफ, ठीक है। हाँ, अगले पे आओ, सेटल्ड हो गया। इट इज़ पेनफुल टू सॉ That some youngsters are killing time without doing anything useful. मतलब बहुत ही दुख होता है देखते हुए कि कुछ जो youngsters है क्या कर रहे हैं, वो Instagram की रील में ही घुसे हुए हैं। Instagram यूज़ करना चाहिए बट लिमिट के साथ यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो आपकी काम की चीज़ हो। अगर आपको कोई कंटेंट मिल रहा है, जैसे आपको इंग्लिश का कंटेंट मिल रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, दैट इज़ यूजफुल, दैट इज़ प्रोडक्टिव। बट अगर आप एक रील देखना शुरू कर रहे हो 10 बजे और 12 बजे तक आप स्क्रीन ही स्क्रॉल कर रहे हो अपनी, तो फिर वो तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और फिर भी आप इंस्टा की रील देखने में लगे हो, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इज़ पेनफुल टू सॉ की जगह क्या आ जाएगा, इट इज़ पेनफुल टू सी हो जाएगा। इतना माइन्यूट सा इसके अंदर एरर था ये। इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, ठीक है। तो इस पार्ट में एरर हो गया, फोर्थ पार्ट के अंदर सॉ का सी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सेंस में हो रहा था, वी1 हो गया, और यहाँ पे हमारा एरर ये ख़त्म हो गया।
ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, इससे पहले वाले लेक्चर्स भी देखते रहो, बार बार रीप्ले करते रहो, बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके कर लो, वो स्पीड इंक्रीज कर दो 1.25 पे, 1.5 पे, सोते टाइम बस सुनते रहो लॉजिक्स को, उससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट बार बार प्ले कर करके उसे सुनो, ताकि माइंड में एकदम बैठ जाए, ठीक है। बाकी जो है अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और स्टेनो के फॉर्म खुलने वाले हैं कल 2 अगस्त को, तो आप लोग जो है अपना क्या कहते हैं सारे फॉर्म्स भरना, पेपर देके आना, अगर तैयारी नहीं भी है फिर भी पेपर देके आना, एक बार पैटर्न का आइडिया लगेगा, क्या पता पेपर क्लियर हो जाए तो आपको स्किल टेस्ट का भी डेमो मिल जाएगा, ठीक है ना। पेपर सारे भरने, कोई पेपर नहीं छोड़ना, और राजस्थान हाईकोर्ट का भी निकला हुआ है, उसमें खाली स्किल टेस्ट है, ठीक है, तो वो भी फॉर्म भर लो, पेपर देके आओ, आइडिया रहेगा कॉम्पिटिशन क्या है, कहाँ कौन कैसे तैयारी कर रहा है और मुझे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर लाइक सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय।